चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के ये तीसरा चैप्टर जो विद्युत रसायन है इसके 80% पॉइंट को क्लियर कर देंगे एक ही वीडियो में। बचेगा 2-3 और टॉपिक तो मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन ये वीडियो आपको इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन, वैद्युत रसायन क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है, उसके बाद विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वैद्युत अनपघट क्या है, इसमें पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल, फैराडे के नियम, विद्युत रासायनिक सेल, उन दोनों सेलों में क्या अंतर, लोन से टू क्या है, मतलब 80% इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कौन सा वैद्युत रसायन का, तो बाबू ध्यान से इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते चलिए। सबसे पहली बात, चैप्टर्स का नाम वैद्युत रसायन। देखो यहां पर वैद्युत का मतलब विद्युत, विद्युत विद्युत ऊर्जा, और रसायन का मतलब रासायनिक ऊर्जा है। तो कहने का मतलब भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन कर जाती है, मतलब जिस शाखा में भौतिक ऊर्जा भी वैद्युत ऊर्जा भी, देखो यहाँ पर है ना विद्युत, तो विद्युत से विद्युत ऊर्जा और रसायन से रासायनिक ऊर्जा। तो जिस शाखा में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। अब देखो विद्युत रसायन में क्या है ना, विद्युत रसायन में 2-3 तरह की क्रियाएं देखने को मिलती है। एक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेगा और एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। देखो यहाँ पर, तो जो विद्युत ऊर्जा को, ध्यान दो यहाँ पर समझिएगा, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा उससे हम लोग बोलेंगे वैद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघट्य भी आप इसको कह सकते हैं। वैद्युत अपघट्य में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। विद्युत ऊर्जा का मतलब बाहरी से उसको ऊर्जा दी जाएंगी तो रासायनिक अभिक्रियाएं करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो अंदर जाकर रिएक्शन होने लगता है। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को जब रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे तो वैद्युत अपघटन कहलाएगा, लेकिन जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत अपघटन में बदलेंगे तो वो कहलाता है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बाबू ये समझना जरूरी है। देखो पहली चैप्टर्स का नाम विद्युत रसायन, विद्युत रसायन किसे कहेंगे, तो जिसमें विद्युत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा की अध्ययन कर जाते हैं उसे विद्युत रसायन, ठीक है ना। जिस उसका देखो, जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करेंगे तो वो अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाएगी, लेकिन जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहलाएगी विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब एक चीज यहां पर हुआ, अभी तो हमने आपको बता दिया कि जैसे ही आप विद्युत ऊर्जा को और रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे तो वो कहलाएगा विद्युत अपघटन, लेकिन ये जिस पात्र में अभिक्रिया होंगी उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जिस पात्र में अभिक्रिया होती है, मान लो कि क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर जा रही है, तो भैया जहां चेंज करवाया जा रहा है उस पात्र का नाम क्या हो जाएगा, उस पात्र का नाम हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत अपघटनी सेल। अभी मैं डिटेल में सब समझा रहा हूं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 80% इस चैप्टर को हम एंड करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना, विद्युत रसायन का। अब देखो मैंने आपको बता दिया क्या क्या, मैंने आपको बता दिया विद्युत रसायन किसे कहेंगे, तो भैया जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन कर जाती है उसे विद्युत रसायन, और जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे तो विद्युत अपघटन, उसके बाद जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे तो वो कहलाएगा विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, अब एक चीज यहाँ पर देखो बुआ, क्या ना कि विद्युत रसायन समझ गया, विद्युत अपघटन समझ गया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी आपको समझ में आ गई। अब एक चीज देखो, किसी भी यौगिक को अगर देखी जाए तो रासायनिक दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, एक विद्युत अनपघट्य होता है और दूसरा वैद्युत अपघट्य होता है। तो वैद्युत अनपघट्य का मतलब क्या होता है, एक ऐसा यौगिक, देखो वैद्युत अनपघट्य का मतलब होता है एक ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में जाकर विद्युत के चालक हो जाते हैं, वो कहलाएंगे विद्युत अनपघट्य। लेकिन जो यौगिक जलीय विलयन में जाने के बाद विद्युत के सुचालक होते हैं, उसका जो चालन करते हैं वो कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। तो एक चीज यहां पर भी आती है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य और विद्युत अपघट्य क्या है। तो विद्युत अनपघट्य का मतलब वो विद्युत का सुचालक नहीं है, वो अचालक है, मतलब एक ऐसा यौगिक है। मान लो कि हम क्या किए, जल में बालू को डाल दिए, क्या बालू सुचालक होगा? कभी नहीं हो पाएगा, समझ में आ रही है ना। तो एक ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में चाहे द्रवित अवस्था में किसका विद्युत का सुचालक होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं, लेकिन जो सुचालक नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत अनपघट्य। अब देखो विद्युत जो अपघट्य होता है, ये जो वैद्युत अपघट्य है ये दो प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन सा, एक सबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा पहला होता है सबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब ये क्या होता है बाबू, देखो सबल वैद्युत अपघट्य को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रबल भी कह सकते हैं। कुछ बार एग्जाम में पूछा भी है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब कि एक ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाती है, चाहे पूर्णतः द्रवित हो जाती है, चाहे पूर्णतः आयनित हो जाती है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, उससे हम लोग बोलेंगे सबल वैद्युत अपघट्य चाहे प्रबल वैद्युत अपघट्य। लेकिन जो अंशतः आयनित होती है जल में उससे हम लोग बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य।
ठीक है ना। देखो बुआ पूछता क्वेश्चन है कि वैद्युत अपघट्य, पूछेगा प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो लिखिएगा एक ऐसा यौगिक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, जब पूर्णतः घुल जाती है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सबल या प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन जो अंशतः का मतलब थोड़ा सा घुलती है उससे हम लोग बोलते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो बाबू इतनी बात आपको समझ में आ गई, वैद्युत रसायन किसे कहेंगे जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन कर जाती है, और विद्युत अपघटन किसे कहेंगे, तो जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर जाती है तो विद्युत अपघटन, इसके बाद जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो वो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाएंगी। ओके, अब यहां देखो, यहां विद्युत अनपघट्य जानना था, तो विद्युत अनपघट्य का मतलब क्या होगा, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, ऐसा यौगिक जो विद्युत के कुचालक हो वो कहलाएगा विद्युत अनपघट्य, लेकिन जो यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रबल और दुर्बल अपघट्य समझ में आ गई। देखो कहने का मतलब जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो रासायनिक नजरिए से दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सबल और दूसरा दुर्बल होता है। तो सबल में क्या होता है, यौगिक पूर्णतः घुल जाती है, और दुर्बल में क्या होता है कि यौगिक पूर्णतः नहीं घुल पाती है, थोड़ा सा घुलती है। तो कह सकते हैं एक ऐसा यौगिक जो वैद्युत अपघट्य में कम से कम मात्रा में घुलती है उसे दुर्बल कहते हैं, और एक ऐसा वैद्युत अपघट्य जो मतलब एक ऐसा यौगिक जो वैद्युत अपघट्य में पूर्णतः घुल जाती है वो कहलाएगी सबल या प्रबल कहलाती है। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चैप्टर के निचोड़ पर जैसा हम लोग आते हैं, देखो सबसे पहली बात यह समझो, यहां तक मैंने टॉपिक क्लियर करा दिया। अब मैंने आपको समझा दिया वैद्युत अपघटन क्या होता है, वैद्युत अपघटन कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, इसमें भी वही क्रियाएं होती है कि क्या करेंगे ना, किसी भी यौगिक को जल में डालेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे ये विलयन है, ठीक है ना, इस विलयन में मैं CuSO4 डाल देता हूँ, ओके, मैं इस विलयन में CuSO4 डाल दिया, और जैसे ही डालूंगा और इसमें धाराएं प्रवाहित करूंगा, फटाके ये यौगिक क्या होगा, आयनित यानी अपघटित होना शुरू हो जाएगा। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघटन, ठीक है ना। आप सिंपली बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, आप ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि जब किसी यौगिक को जलीय विलयन में डालते हैं, अगर CuSO4 चाहे फोड़ लेकर चलते हैं, इसको जलीय विलयन में डाल दिए, आधारा प्रवाहित करके इसको तोड़ दिए, मतलब इसको आयनित कर दिए, इसे अपघटित कर दिए, तो यही अभिक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। तो ये मोस्ट डिफिनेशन है इसका वैद्युत अपघटन का, कि यौगिक को जल के विलयन में डाल दो, आधारा प्रवाहित करो, यौगिक को तोड़ दो यानी उसे अपघटित कर दो, यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वैद्युत अपघटन कही जाती है। ओके समझ में आई। अब देखो ये वैद्युत अपघटन आपको समझ में आ गई, ये वैद्युत अपघटन की क्रिया जिस पात्र में होती है उस हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं बाबू। अब समझो ध्यान से आगे, ठीक है ना, इस वीडियो में क्या करना, हमें इस चैप्टर का 80% टॉपिक क्लियर कर देना है। अब देखो मैं समझा रहा था वैद्युत अपघटनी सेल क्या होती है, वैद्युत अपघटनी सेल तो जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है, जौना बर्तन में खाना बनता है, समझ में आ गया, वो खाना बनाने वाला बर्तन हो जाएगा, तो जौना में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल। आई क्या है, तो वैद्युत अपघटनी सेल है। अब एग्जांपल सारे समझो, इसमें क्या होता है, एक एनोड होता है, दूसरा होता है कैथोड। ये लेफ्ट वाला जो होता है ना हमेशा एनोड होता है, और राइट वाला जो होता है ना वो कैथोड होता है। तो बाबू याद रखिएगा, इसको हम लिख देते हैं सिर्फ ए, इसको लिख देते हैं सी। ए का मतलब एनोड और सी का मतलब कैथोड। अगर कोई भी लेकर चलेंगे तो इधर देखो ये वाला एनोड हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, सी ए लेकर चलो। मतलब क्या है ना कि जहां भी हम लोग चीजें लेकर चलेंगे विलयन में उसमें हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड क्या है, देखो इलेक्ट्रोड दो तरह का होगा, एक कैथोड और दूसरा क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है ना। देखो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक धातु का अक्षर होता है। मान लीजिए कि मेरे पास ZN धातु है, उसी का अक्षर है, तो उसमें विलयन हमेशा उसी का डालेगा, मतलब जिस चीज का विलयन रहता है उसी की धातु की क्षर डाली जाती है। अगर ZnSO4 का विलयन हम बनाए हैं तो उसमें ZN का क्या चाहिए, आपको क्षर चाहिए, ठीक है ना, ये होता है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोड आपको आगे पढ़ाऊंगा मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो आपको एक दो टॉपिक बचेगा इसमें, इस वीडियो को छोड़कर, ठीक है ना। देखो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, वैद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र होता है और उसमें दो गो इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें एक को एनोड और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं। इसमें क्रियाएं कैसे होती है, यौगिक को डालेंगे, धाराएं प्रवाहित करेंगे, यौगिक अपघटित हो जाएगा, काम खत्म, यही होता है वैद्युत अपघटनी सेल। ओके आपको समझ में आ गया, वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, तो जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रियाएं होती है उससे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें यौगिक को डालते हैं, फिर धाराएं प्रवाहित करते हैं, यौगिक अपघटित होती है,
कार्य खत्म हो जाती है। ओके, इतनी समझ में आ गई। अब एक चीज समझो, विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे साहब ने नियम क्या दिया था, इसकी जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, फैराडे साहब का नियम कोई हार्ड नहीं था, एकदम सिंपल नियम। फैराडे साहब ने दो नियम दिया, विद्युत अपघटन से संबंधित या विद्युत अपघटन सेल से संबंधित। फैराडे साहब के नियम क्या क्या थे, जरा हम लोग इस पर गौर कर लेते हैं। तो फैराडे साहब का दो नियम है विद्युत अपघटन से संबंधित। देखो कौन कौन सा नियम है, सबसे पहली बात समझो, फैराडे साहब ने दो नियम क्या दिया था। ये जो पिक्चर ना, ये विद्युत अपघटनी सेल का है, और ये वाला जो पिक्चर ना, ये विद्युत रासायनिक सेल का है। तो उसकी चर्चा हम लोग इसके बाद करेंगे। जैसा फैराडे साहब के नियम तो समझ ले कि फैराडे साहब ने क्या नियम दिया था। अब देखो फैराडे साहब का पहला नियम क्या था बाबू, पहला नियम फैराडे साहब का नियम था कि जो मान लो कि इसमें हम क्या किए, पदार्थ कोई डाल दिया, अब पदार्थ डालने के बाद इसमें धाराएं प्रवाहित करी जा रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पदार्थ तो मुक्त होगा ना, यौगिक अपघटित होगा, तो पदार्थ मुक्त होने की क्रिया होती है। तो जो मान लो कि पदार्थ की जो मात्राएं मुक्त हो रही है वो एम है, और उसमें बहने वाली धारा क्या है, मान लो कि क्यू है, ठीक है ना, क्योंकि आवेश के कारण से ही धाराएं बहती है। अब एक चीज समझो, क्या होगा कि इस पात्र में मानी विद्युत अपघटनी सेल में जितनी पदार्थ की मात्राएं मुक्त होती है वो धारा के समानुपाती होते हैं। जितना धारा की रफ्तार तेज होगी उतनी पदार्थ ज्यादा बनेगी, सब में सेम होता है, इसमें भी वही होगा। जितनी धाराएं तेज होंगी उतना इसका पदार्थ ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने का काम करेगा। तो विद्युत अपघटनी सेल में वही चलता है कि जितना धारा की मात्रा अधिक होगी उतना पदार्थ ज्यादा उत्पन्न होगा। पहला यही है, एम का मतलब हो गया मात्रा, पदार्थ की मात्राएं जितनी उत्पन्न हो रही है, तो जितना आवेश अधिक देंगे, तो आवेशों के प्रवाह को ही तो हम लोग धारा कहते हैं, तो जितना अधिक उसको क्या करेंगे, विद्युत धाराएं देंगे, उतना अधिक वहां पर पदार्थ उत्पन्न होने का काम करता है, करेक्ट। अब एक चीज समझो, यहां पर एम समानुपाती है समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक का नाम आप जेड दे सकते हैं, और ये क्यू है तो क्यू। और यहाँ जो जेड होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनेगा, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, जेड जो होगा ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब ये कई बार पूछा भी है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी इसको कहते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। बच्चा लोगों को समझ में नहीं आती ये है तो है क्या, अरे कुछ नहीं है। फैराडे साहब का प्रथम नियम क्या बोलता है कि विद्युत अपघटनी सेल में जितनी मात्राएं उत्पन्न हो रही है पदार्थ की, उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होती है, और समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसी नियतांक का नाम पड़ता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या नाम पड़ता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाई जेड है तो जेड, क्यू के जवाब आप आई टी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आवेश का सूत्र होता है धारा गुना समय होता है, आवेश का यही सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखो ये m बराबर हमारा निकल गया, z i t निकल गया, क्या निकल गया, m बराबर z i t, हमारा सूत्र क्या होगा, यहां से निकल गया बाबू। तो कुछ नहीं है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अब यहां पर एक चीज समझना ध्यान से, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछता है डिफाइन करने के लिए। अब कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं कि धारा का मान एक लेकर चल दिए, एक एम्पियर, और समय का भी मान एक सेकंड लेकर चल दिए, तब यहां से हमारा एम बराबर क्या निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि मान लो ये भी वन है, ये भी वन, आई भी वन और टी भी वन है, तो वन वन गुना करेंगे वन ही रहेगा, जेड का वन से गुना करेंगे जेड हो जाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में एक एम्पियर धारा एक सेकंड प्रवाहित करने पर जितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बाबू समझो, यहां पर सिर्फ समझना है, फिर से समझो, यहां पर फैराडे साहब का प्रथम नियम क्या था, फैराडे साहब का प्रथम नियम कहता है कि जितनी भी पदार्थ की मात्राएं मुक्त हो रही है, तो एम मान लिया, जितनी भी पदार्थ की मात्राएं मुक्त हो रही है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, अर्थात एम समानुपाती, क्यों, क्योंकि एम वहां पर मात्राएं मुक्त हो रही है, और क्यों क्या आवेश है, जितना आवेश तेज होगा उतनी पदार्थ की मात्राएं जो ना ज्यादा बनेगी। एकदम पहला नियम कि पदार्थ की जो मात्राएं मुक्त हो रही है वो आवेश के समानुपाती होती है, फैराडे साहब का प्रथम नियम। आपको ऐसे ही लिखना है कि जितनी अधिक पदार्थ की मात्राएं मुक्त होती है उतना धारा तेज होता है, यानी बहने वाली धारा मुक्त वाली पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है, अर्थात m समानुपाती, q समानुपाती हटाए एक नियतांक आया, इसी नियतांक को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, या q के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, it रखेंगे, क्योंकि उसका सूत्र होता है। अब यहां पर डिफाइंड करना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, धारा एक एम्पियर और समय एक सेकंड लेकर चलना है। अब यहां से आप जैसे एक रखेंगे तो m बराबर z आएगा, और z क्या है, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो आप कह सकते हैं
कि विद्युत अपघटनी सेल में, क्योंकि अपघटन से संबंधित है, विद्युत अपघटन में चाहे विद्युत अपघटनी सेल में एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर जितनी मात्राएं मुक्त होती है उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, क्योंकि जेड बराबर एम है, एम का मतलब मुक्त हो रही है। तो एक एम्पियर की धारा एक सेकंड पर प्रवाहित कर देते हैं तो जितनी पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम फैराडे साहब का नियम क्या होता है कि उसमें बहुत सारा आपको विद्युत अपघटनी सेल, देखो इसमें क्या ना कि जैसे एक ही विद्युत अपघटनी सेल लेकर चला गया था, लेकिन अब जो विद्युत अपघटन आपको लेकर चलना है उसमें ढेर सारा आपको पात्र लेकर चलना है, एक नहीं बहुत सारा, ठीक है ना। मान लीजिए यहां पर एक हो गया, फिर एक हो गया, फिर एक हो गया, बहुत सारे पात्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं अभी समझा रहा हूँ, पिक्चर क्लियर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे पात्र होंगे, मैंने मान लिया कि इसमें जो मुक्त होने वाली, मान ली कि इसमें एक्स मात्राएं मुक्त हो रही है, ठीक है ना, और इसमें वाई मात्राएं मुक्त हो रही है, इसमें जेड मात्राएं मुक्त हो रही है, और इसका जो तुल्यांकी भार हो, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा, वो मान लिया ई वन है, इसमें मान लिया ई टू है, और इसमें मान लिया ई थ्री है। फैराडे साहब क्या बोलते हैं, फैराडे साहब ये बोलते हैं विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के लिए, फैराडे साहब कहते हैं कि जब किसी भी विद्युत अपघटन सेल में पदार्थ की मात्राएं मुक्त होती है तो बहने वाली उसमें उत्पन्न विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। अब भैया ये कौन सा बात हुआ, समझो, समझा रहा हूं फिर से। कहते हैं कि बहुत सारे अगर विद्युत अपघटनी सेल लिए जाए, बहुत सारे विद्युत अपघटन श्रेणी क्रम आपको जोड़ना है, श्रेणी क्रम का मतलब बहुत सारे, यानी श्रेणी क्रम में बहुत सारे विद्युत अपघटन को लेकर चलने पर उसमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे पात्र आप लेकर चलेंगे, ऐसे बहुत सारे पात्र आपको लेकर चलना पड़े, दो तीन में लेकर चलो, आप चार पांच में उठा सकते हैं। श्रेणी क्रम में अनेक आपको जोड़ने के लिए बोला है कि श्रेणी क्रम में अनेक विद्युत अपघटनी सेल जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में अनेक विद्युत अपघटनी श्रेणी अपघटनी सेल जोड़ने पर वहां मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। अगर मान लेते हैं भाई पहला पात्र लेकर चलते हैं तो इसमें x पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है तो ये समानुपाती हो जाएगा किसके, e1 के, इसी प्रकार से सब में हो जाएगा। अगर दूसरे में y मुक्त हो रही है पदार्थ की मात्रा है तो ये भी समानुपाती हो जाएगा किसके, e2 के। ऐसा ही आप इसमें भी लिख सकते हैं कि z समानुपाती किसके हो जाएगा, e3 के। अगर शॉर्ट में अगर लेकर चले, मान लेते हैं कि इन सभी में जो पदार्थ की मात्रा मुक्त हो रही है अगर वो w है और इसमें उत्पन्न विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है ना वो z है तो w समानुपाती आप z भी लिख सकते हैं। ये फैराडे साहब का दूसरा नियम, कौन सा नियम, दूसरा नियम, फिर से समझो बाबू। देखो यहाँ श्रेणी क्रम में बहुत सारा आपको अपघटनी सेल लेकर चलना है, अपघटनी सेल बहुत सारा हम लेकर चल दिए तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक में, प्रत्येक अपघटनी सेल में उत्पन्न पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। अर्थात अगर यहाँ से ये मान लो कि ये समानुपाती हटाएंगे, एक नियतांक यहाँ पर आएगा के, ठीक है ना, तो के को छोड़कर ईवन इधर चलाएगा, यानी यहाँ पर अगर सिंपली अगर इसको लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एक्स बटा ईवन ऐसे ही बराबर वाई बटा ई टू अब बराबर हो जाएगा जेड बटा ई थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह आ रही है कि जितनी भी यहाँ पर अपघटनी से लेकर चलेंगे, जितनी भी अपघटनी से लेकर चलेंगे उसमें उत्पन्न होने वाली पदार्थ की मात्रा जो ना विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी, यानी उत्पन्न होने वाली पदार्थ की मात्रा वो क्या होगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ये फैराडे साहब का दूसरा नियम है, मैंने बड़ी इस पर फोकस कराया, फिर से समझो यहां पर। देखो फैराडे साहब का दो नियम कौन कौन, पहला नियम है कि मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यहां से मैंने विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिफाइन किया, पीछे से वीडियो को रिवर्स करके फिर समझ सकते हैं। और दूसरा नियम था कि अनेक विद्युत अपघटनी सेल आपको लेकर चलना है और उसमें उत्पन्न होने वाली, उसमें उत्पन्न होने वाली पदार्थ की मात्रा वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का समानुपाती होती है। अगर इसमें एक्स लेकर चलेंगे और इसका तुल्यांकी भार इवन है तो एक्स समानुपाती इवन हो जाएगा, इसमें वाई समानुपाती ई टू हो जाएगा। अर्थात आप क्या कर सकते हैं, अर्थात आप क्या करेंगे, डिफिनेशन लिखेगा कि अनेक श्रेणी क्रम में जोड़े गए विद्युत अपघटनी सेल में मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। आप दो तीन पात्र ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना, दो तीन पात्र ऐसा ही आपको बनाना है, तीन बनाना है, उसमें एक्स पदार्थ और उसका तुल्यांकी भार इवन लेकर चलना, उसके बाद आपको ये डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है ना। अर्थात अंत में आप ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू समानुपाती जेड, इसका मतलब क्या होगा कि आप दसों को बिलियन लेकर चल, दसों को पात्र लेकर चलेंगे तो उसमें मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती ही होता है। ये फैराडे साहब का दूसरा नियम, आई होप आपको फैराडे का पहला नियम और दूसरा नियम समझ में आ गई होगी। तो मुझे जो
समझाना था मैंने वो समझा दिया। अब बाबू हमें समझना है विद्युत रासायनिक सेल। अब देखो इसमें याद रखिएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक पूछता भी है, ये पूछता है कई बार एग्जाम में। अब हमें समझना है विद्युत रासायनिक सेल क्या होती है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाती है विद्युत अपघटन, लेकिन जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाती है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। और यह अभिक्रिया जिस पात्र में कराई जाती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। जब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो यह अभिक्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जाती है, लेकिन विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जावना पात्र में होती है उस पात्र का नाम क्या पड़ता है, उस पात्र का नाम विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या है इसको समझो। देखो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस एक माइनस होते हैं, अंतर इतना होता है उसमें पात्र अलग अलग होता है। विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड, लेकिन यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में, देख सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रोड एक यहां इलेक्ट्रोड, यह होता है विद्युत अपघटन विद्युत रासायनिक सेल। अब देखो विद्युत रासायनिक सेल का क्या क्या नाम है, देखो बुआ विद्युत रासायनिक सेल का नाम बहुत सारा पूछता है, डेनियल सेल भी इसको कह सकते हैं, वोल्टिए सेल भी कह सकते हैं, गैल्वेनी सेल भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा भी गैल्वेनी सेल क्या है, अरे भैया विद्युत रासायनिक सेल का ही नाम है। विद्युत रासायनिक सेल को आप डेनियल सेल, वोल्टिए सेल, गैल्वेनी सेल, विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि डेनियल सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनी सेल किसे कहते हैं, वोल्टिए सेल किसे कहते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि बाबू सब सेम ही है। तो आप विद्युत रासायनिक सेल पढ़िए, चाहे गैल्वेनी सेल पढ़िए, चाहे डेनियल सेल पढ़िए, चाहे वोल्टिए सेल, ये सब एक ही चीज है, दिमाग में बैठा लीजिए। विद्युत रासायनिक सेल हम लोग समझ रहे थे, यानी डेनियल सेल हम लोग पढ़ रहे थे। देखो बुआ डेनियल सेल में क्या होता है कि रासायनिक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जिस पात्र में कराएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब इसमें क्या, दो इलेक्ट्रॉन अलग-अलग पात्र में डूबे रहते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहली बात समझो, यहाँ ये वाला एनोड होगा और ये वाला कैथोड होगा। देखो इन दोनों में अंतर क्या होता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो किसका किसका बना होता है, तो एक बना होता है जिंक का और दूसरा बना होता है कॉपर का। अब देखना क्या है कि दान करने की क्षमता किसमें है, ये पहले जेडेन पहले आपको विलयन में लेकर चलना है कि सीयू पहले लेकर चलना है, इसके लिए जिसमें दान करने की क्षमताएं होंगी वो पहले चलाएगा। देखो ये जेडेन जो होता है ना बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है, यानी पहलका पात्र में जो धातु होगा वो जेडेन का होगा, और जेडेन का है तो इसका विलयन जेडेनियस फोर का लेकर चलेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कॉपर जो है ना आपका इस साइड, ये तो कैथोड है, ये कॉपर जो है ना इस साइड इधर जो इलेक्ट्रॉन लगेगा वो कॉपर का लगेगा, और इसका जो विलयन होगा CuSO4 का होगा। मैंने बताया था कि जिस धातु का इलेक्ट्रोड यूज करता है उसी का उसमें विलयन लगी रहती है। तो जेडेन और कॉपर मतलब जिंक और कॉपर में किसको हमें सबसे पहले लेकर चलना था एनोड कैथोड में, इसके लिए मैंने क्या पता किया कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता किसमें होती है। तो भैया जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है कॉपर की अपेक्षा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है, देने की क्षमता है ज्यादा होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड जो है ना वो किसका लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे जेडेन का, उसका विलयन JnS4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मैं बहुत सारी चीज आपको सिखाऊंगा, समझिए ध्यान से आप पहले, ओके। अब देखो यहां पर आप जेडेन CuO4 में समझ ली कि हमें जेडेन और सीयू में किसको लेना है, पहले तो मैंने ले लिया एनोड में जेडेन ले लिया, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता होती है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये जो विलयन है JnS4 का है, ठीक है ना, आज जो इलेक्ट्रॉन है वो जेडेन का है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि हाई वाला जो चीज है ये लवण सेतु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। लवण का मतलब यहां पर NaCl चाहे KCl भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, किसी का भी इसमें लवण होता है। अब देखो अगर ये लवण सेतु नहीं रहता ना तो यहां से मान लीजिए कि धारा प्रवाहित किया गया, तो यहां से यहां मुक्त होकर इसमें चली गई, अगर इसमें से इसमें नहीं आती तो विद्युत इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। क्या होता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आयनों का आदान प्रदान होना जरूरी होता है। अच्छा मान लीजिए हम इधर से एनर्जी उधर दे रहे हैं और उधर से सतुई कोनो एनर्जी नहीं आ रहा, तो कौन फायदा है, जल उड़क जाएंगे आप, है कि नहीं है। देखो बुआ समझने वाली बात है कि अगर इधर से कण जा रही है इसमें तो इधर से इधर तो आनी चाहिए ना, तभी ना बैलेंस बनेगा है? एक और सामान ज्यादा लाद दीजिएगा तो दबा के मर जाएगा, इसलिए दोनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। अब बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, लवण सेतु। तो लवण सेतु की हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि लवण सेतु क्या, इसका कार्य क्या होता है। अभी हम लोग यहां पर मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं जरा सा कि भैया
है, ये डेनियल सेल क्या होता है, वोल्टिए सेल क्या होता है, गैल्वेनी सेल क्या होता है, ये कैसे अभिक्रिया करता है, इसकी बात करते हैं। अब समझिए आप ध्यान से यहाँ पर कि आखिर ये गैल्वेनी सेल क्या है। देखो यहाँ पर हुआ, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग पात्र में डूबे रहते हैं। इसमें क्या होगा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर मैंने धातु की छड़ ले ली है, ठीक है ना, यहाँ जेड और यहाँ पर सी यू लेकर चल दिए, इधर एनोड इधर कैथोड है, एनोड इसमें माइनस होता है और कैथोड क्या होता है, प्लस होता है। इसमें क्या क्रिया होती है कि जो जेडन होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, जेडन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है वो दो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी यहां पर अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं तो जेडन जो है ना वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा, वो दो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। जेडन जो है ना, ये जेडन कितना देने का काम करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। यानी जेडन स्पोर्ट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देने के बाद हई क्या करेगा, कॉपर के पास आएगा, कॉपर उसको ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, बीच में लोन सेतु लगाया गया, ठीक है ना, तो कॉपर क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वो शुद्ध कॉपर बना देता है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा आप, जेडन क्या है, धातु है, और इसको देने का काम दो इलेक्ट्रॉन कौन करता है, जेडन स्फोर का जो विलयन है, ये दो इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये क्या करेगा, यहां से यहां पहुंचाएगा, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इसी चीज को मैं यहां पर लिखा हूं, अगर मैं इसको और शॉर्ट में आपको समझाऊं, यहां समझो ध्यान से, समझिएगा ध्यान से एकदम, यहां जेडन क्या है, एक धातु है, एक सोलिड अवस्था है, एस का मतलब सोलिड अवस्था। तो ये क्या करेगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो जेडन सुफोर होता है ना, जेडन सुफोर, ये क्या करेगा, मतलब कहने का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, दान करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वो भैया जिंक में पाई जाती है। तो जिंक क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, दो इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा। देखो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक, क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन लेकर शुद्ध कॉपर बना रही है। तो यहाँ पर जेडन क्या है, एक सॉलिड अवस्था है, और जेडन टू प्लस क्या है, जलीय विलयन की अवस्था है। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्वा, लिख सकते हैं एक्यू, क्योंकि देखो क्या जलीय विलयन को हम लोग केमिस्ट्री में एक्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बीच में लवण सेतु का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, ठीक है ना, लवण सेतु का। उसके बाद यहाँ Cu2+ जो है ना वो एक्वा है, एक्वा का मतलब क्या हो गया, जल है, ठीक है ना। और उसके बाद आप ऐसे देकर एस यू आप एस लिख सकते हैं, क्यों, देखो इसको शॉर्ट में मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जेडन जो है ना वो सोलिड अवस्था में हो गया, ठीक है ना, और यहाँ जेडन टू प्लस कौन सा, एक्वा अवस्था में हो गया, एक्वा अवस्था का मतलब जलीय विलयन की अवस्था में हो गया, एक यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर लवण सेतु का चिन्ह, आ Cu2+ भी क्या हो गया, एक्वा अवस्था हो गया, एक यू लिखेंगे, आइए Cu कौन सा, सोलिड अवस्था में हो गया। इसका कहने का मतलब क्या, इसका सीधा सा अर्थ यही है बाबू, देखो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन देता है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यहाँ पर देखो जिंक क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिया है, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना कॉपर बनाने का काम कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, कॉपर उसको लेने का काम करता है। अब बात यहाँ पर समझ में आती है, ये भैया इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलाया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा आएगी ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, ज्यादा मात्रा में आएंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा मात्रा में आएगी। अब इसको उठाकर इधर लाने के लिए यहाँ पर लवण सेतु लगा लेता है, यानी आयनों को बराबर करने के लिए कौन रहता है, लवण सेतु यहाँ पर प्रयोग करी जाती है। लवण सेतु क्या करता है, विद्युत उदासीनता कायम करता है। विद्युत उदासीनता का मतलब इधर से जा रही है तो इधर से लाके ही पटक दे रही है कि नहीं है। हम लोग खाते निकालते फिर खाते हैं बैलेंस बनाने के लिए, अगर खाली खाते जाएंगे निकालते जाएंगे तो भाई बैलेंस नहीं बनेगा, खाकर निकाल दिए बैलेंस नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या, समझो यहां पर, यहां से इलेक्ट्रॉन जाती है, कॉपर को मिलती है, भैया मिलती है ना। अब देखो यहां से फिर इसको आयनों का आदान प्रदान करता है, क्योंकि धाराएं प्रवाहित होनी चाहिए, तो आयनों का आदान प्रदान भी करता है। फिर लवण सेतु विद्युत उदासीनता भी काम करता है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। अब आगे चीज समझो यहां पर, मैंने आपको क्या समझा दिया, ये जो मैं पिक्चर्स लिखा हूं ये क्या होता है, सेल अभिक्रिया का समीकरण है, सेल अभिक्रिया का समीकरण है। अब बाबू सेल अभिक्रिया क्या होता है, यहां पर शॉर्ट में समझा रहा हूं। मैंने अभी आपको बता दिया कि जेडन जो है ना, यहां समझिएगा ध्यान से, जेडन जो है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, टू प्लस आप लिख सकते हैं, प्लस में आप टू ही लिख सकते हैं। ओके, मैं इस चीज को अभी मिटा रहा हूं, फैराडे साहब का जो नियम था इसको साइड में मैं हटा रहा हूं अभी। अब यहां समझो, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देने का काम करेगा, कॉपर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तब जाकर वो कॉपर बनाता है। अब यहां पर क्या होता है, लेफ्ट राइट कुछ भी हो, यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, टू ई से टू ई कट जाएगा, यहां बचेगा जेडन,
Cu2+ और फिर यहाँ बनेगा Zn2+Cu बनेगा। तो ये जो है ना ये सेल अभिक्रिया, ये सेल अभिक्रिया का सूत्र हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जिंक ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ग्रहण कर कॉपर बनाया, यहाँ टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन काट दिया, लेफ्ट में जो बचा राइट में जो बचा उसको मैंने लिख दिया, ये सेल अभिक्रिया है। लेकिन सेल अभिक्रिया का जो समीकरण होगा हई वाला होगा, या तो आप हई वाला लिख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रही है तब, ठीक है ना, ठीक है। चलिए सभी बच्चों को दिखाई दे रही है, तो मेरे कहने का मतलब हाई वाला जो सूत्र है ये सेल अभिक्रिया है, लेकिन सेल अभिक्रिया ये वाला है और ये सेल अभिक्रिया का समीकरण है। आप इस तरह से लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक सेल में। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछा है, दे देगा, पूछेगा कौन सा सेल है, अरे भैया ये डेनियल सेल का चाहे गैल्वेनी सेल का चाहे वोल्टीय सेल का चाहे विद्युत रासायनिक सेल का ये समीकरण चलता है, ठीक है ना। ये विद्युत रासायनिक सेल का समीकरण है, ये विद्युत रासायनिक सेल है ये, ठीक है ना। ये अभिक्रिया विद्युत रासायनिक सेल का अभिक्रिया इस तरह से होती है, तो आपको समझ में आ गई होगी विद्युत रासायनिक सेल कैसे काम करता है। अब एक चीज समझो, इसका जो पहले एक जो पात्र होता है ना, एक पात्र, इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्ध विद्युत रासायनिक सेल, चाहे अर्ध इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको, अर्ध मानक इलेक्ट्रोड चाहे अर्ध सेल भी आप बोल सकते हैं इसको भी अर्ध सेल, क्योंकि एक पात्र में एक इलेक्ट्रोड एक पात्र में एक इलेक्ट्रोड। होता क्या है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इसका छरवा कमजोर हो जाता है और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में ग्रहण होती है, जिसके कारण से छरवा थोड़ा सा क्या होता है, मोटा हो जाता है। हमें मोटा पतला से मतलब नहीं है, ठीक है ना। यही क्रिया होती है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है तो कॉपर ग्रहण करता है, फिर वो शुद्ध कॉपर बनाने का काम करता है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर लवण सेतु क्या, तो लवण सेतु क्या हुआ, लिखिएगा लवण सेतु ही दोनों पात्रों में, या लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक समीकरण नहीं, विद्युत रासायनिक सेल में, मतलब गैल्वेनी सेल में, लवण सेतु गैल्वेनी सेल में विद्युत उदासीनता का काम करता है। और दूसरी बात है आयनों का आदान प्रदान एकदम समान रखता है, ये सब उसका क्या होता है, कार्य होता है। अगर नहीं रहता तो दिक्कत होती, धाराएं नहीं बह पाती, ठीक है ना। उसके बाद दोनों सेल में अंतर क्या है, ये विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है, देखो सिंपल सी बात है। पहली बात तो पहले आप अंतर लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा अंतर लिख सकते हैं कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। तीसरा आप अंतर लिख सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में उसमें एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में एनोड माइनस होता है और कैथोड प्लस होता है, ठीक है ना। अब चौथी बात लिख सकते हैं कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती, विद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, दूसरा ग्रहण करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो ये आप चार अंतर लिख सकते हैं, कौन कौन सा, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, जबकि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद लिख सकते हैं इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पात्र में डूबे होते हैं, लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग पात्र में होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें एनोड प्लस और कैथोड माइनस, जबकि इसमें एनोड माइनस और कैथोड प्लस होता है। चौथा इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, लेकिन इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होने लगती है, इसमें अपने आप नहीं होती, होती है लेकिन अपने आप नहीं होती है, लेकिन इसमें अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चार अंतर आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया दोनों सेलों में क्या अंतर है बाबू। उसके बाद अब देखो, अब हमें अगले चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव और बैटरी के बारे में तन्वीन पढ़ लेना, आज चैप्टर एंड, यानी अगले पार्ट में इस चैप्टर को एंड कर दूंगा। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विद्युत अनुपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है, सबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, फैराडे का नियम क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, लवण सेतु का कार्य क्या है, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर क्या है। मैंने एक वीडियो में चैप्टर का 80% टॉपिक क्लियर करा दिया, 20% ही बचा है। तो बाबू अगले वीडियो में हम लोग 20% को क्लियर करेंगे, यानी विद्युत रसायन वाला चैप्टर आपका क्लियर हो गया। ये आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है ना, क्योंकि देखो इस टॉपिक को कवर कराने के लिए एक वीडियो में काफी दिनों से मेहनत करी जा रही थी। तो बाबू इस वीडियो को हर जगह आप आपकी तरफ फैला दीजिए, ताकि सारे बच्चे एक वीडियो में सारे चैप्टर्स को समझ सके, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।